ये सरकार यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं चलती, ये नागपुर से चलती है। वहाँ से जो कुछ डायरेक्शन मिलती है वो काम करते हैं। ये अकेले विवेक ओबराय का स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरी आरएसएस और बीजेपी का स्टेटमेंट है। आप लोगों को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश है, और वो लोग देशद्रोही हैं जो संविधान की शपथ लेकर सरकार में आए हैं और बैकडोर से मनु समर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। ये 10% लोग हैं, आप लोग 90% इकट्ठे होकर के 24 में इनको जड़ से उखाड़ दीजिए। और 131 गुलाम जो बैठे हैं इस समय पार्लियामेंट में, 56 इंच का सीना है, तो 8 नवंबर की तरह 2016 में जैसे नोटबंदी की थी वैसे टीवी पर आकर के कह दे एक बार कि मैं इस संविधान को नहीं मानता, फिर हम देख लेंगे। इन्होंने पहले गोधरा जलाया, गुजरात जलाया, मणिपुर जलाया, मेवात जलाया, ये सारे के सारे अब 24 में आधा देश जलाएंगे। 2019 में ये पुलवामा करके अटैक करके एक राष्ट्रवाद का झूठा झुंझना पकड़ा के लोगों को, और ये सत्ता में आए थे। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, और झूठ बोलने की मशीन है ये। अभी संविधान खत्म करने की बात, बदलने की बात कही जा रही है, वो लोग अपना कार्य सही कर रहे हैं, क्योंकि मूल भावना आरएसएस की और बीजेपी की यही है जो वो बाहर निकल के आई है। ये नागपुर से निकलती है सारी चीज़ें। ये सरकार यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं चलती, ये नागपुर से चलती है। वहाँ से जो कुछ डायरेक्शन मिलती है वो काम करते हैं। ये अकेले विवेक ओबराय का स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरी आरएसएस और बीजेपी का स्टेटमेंट है। आप लोगों को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश है, और वो लोग देशद्रोही हैं जो संविधान की शपथ लेकर सरकार में आए हैं और बैकडोर से मनु समर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। उनके अब तक विवेक ओबराय, कुलदेव राय जो भी हैं, हमने पार्लियामेंट थाने में जाकर कंप्लेंट दी है कि इसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ठीक है सर, और कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। कार्रवाई तो प्रतिलिपियां भी जलाई गई, ठीक है, ये 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 चेक कर रहे हैं। संविधान को जलाया गया जंतर मंतर पे, हाँ वो हाँ, 9 अगस्त 2018 को जलाया था, वो सारे बाहर घूम रहे हैं। मोदी जी का संविधान में कभी विश्वास नहीं रहा, ये आरएसएस के हैं, इनके 3 किताबों से चलती आरएसएस, बंच ऑफ थॉट, सावरकर का हिंदुत्व और मनु समर्थी, वही ये पार्कों में पढ़ाते हैं। ये 10% लोग हैं, आप लोग 90% इकट्ठे होकर के 24 में इनको जड़ से उखाड़ दीजिए। और 131 गुलाम जो बैठे हैं इस समय पार्लियामेंट में, मेरा समाज से आह्वान है कि इनको वोट ना दे, चाहे किसी को भी वोट दे दे जो प्रेजेंट है किसी भी पार्टी का, चाहे नहीं तो संविधान के पक्ष में उनको खड़े होना चाहिए आकर के। लोग कह रहे हैं जो संविधान है ये गुलामी का प्रतीक है, ये संविधान की ही ताकत है जो 75 साल से इस भारत को एकजुट किए हुए है। और कोई किताब नहीं है ऐसी दूसरी जो भारत को एक बनाती हो। इसका प्रेम्बल पढ़िए, भारत के संविधान का प्रेम्बल पढ़िए। उनकी सोच पुरानी है, उनकी सोच मनुवादी सोच है, उन्हें हजम नहीं हो रहा। 52 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनका गुप्त एजेंडा भी बाहर निकल कर आ गया। जैसे ही 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो 25 सितंबर को ही आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि ओबीसी को कोई अधिकार, ओबीसी को अधिकार ना मिले। आपको धर्म वो तो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। कौन? आडवाणी जी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, उसी में हाँ, संविधान खत्म हो रहा है, आपका समाज कहाँ है? हमारा समाज 2 अप्रैल 2018 को दिखाया था ना, ये छेड़ कर दिखे संविधान को। और 56 इंच का सीना है मोदी जी का, 56 इंच का सीना है, तो 8 नवंबर की तरह 2016 में जैसे नोटबंदी की थी वैसे टीवी पर आकर के कह दे एक बार कि मैं इस संविधान को नहीं मानता, फिर हम देख लेंगे। सर, हमारी ज़मीनें हर जगह पुश्तैनी ज़मीनें और अंबेडकर पार्क पूरे भारत में कब्जे में लिए जा रहे हैं। आपके 84,000 बोध विहार थे, कहाँ गए सर? मंदिरों के नीचे दफन हो गए। सारा का सारा इस मनुवाद ने कब्जा किया है, कन्वर्ट किया है, और अब जो है ना एक नई पिच तैयार की जा रही है 24 के चुनाव के लिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद।
एक स्टेटमेंट देने पर जो है ना प्रोफेसर रतनलाल को तो गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। आज दिवे को देवराय को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, ब्रजभूषण को क्यों नहीं अरेस्ट किया, शमशेर सिंह राणा को भी नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं कर रहे, उनको खुले छोड़ रखा है। और ये आतंकवादी हैं, ये इन्होंने पहले गोधरा जलाया, गुजरात जलाया, मणिपुर जलाया, मेवात जलाया, ये सारे के सारे अब 24 में आधा देश जलाएंगे। 2019 में ये पुलवामा करके अटैक करके एक राष्ट्रवाद का झूठा झुंझना पकड़ा के लोगों को, और ये सत्ता में आए थे। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, और झूठ बोलने की मशीन है ये। ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे सर? इंडिया गठबंधन से गुजारिश है ईवीएम का विरोध करें। किसकी जिम्मेदारी बनती है ईवीएम हटाने की? सरकार तो सुन नहीं रही। ईवीएम हटाने की जिम्मेदारी सभी संविधान में जिनका विश्वास है वो लोग प्रयास करें, और वो लोग सारे इलेक्शन कमीशन के आगे जाके बैठ जाएं। इंडिया गठबंधन के सत्ता और विपक्ष में तो ना सांपनाथ और नागनाथ दोनों है, काशीराम जी भी कहते थे ऐसा है। सत्ता में सांप नागनाथ है। इस गठबंधन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ये सम्मानित सीटें दे, भाई चंद्रशेखर के बगैर इनका गठबंधन बेकार है, वो बन नहीं सकता। अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। छीने जाएंगे। हाँ, हम छीनेंगे। चुनाव नजदीक है, जो खबर आ रही है इंडिया वर्सेज एनडीए चल रहा है, वहीं देखने को ये मिल रहा है कि बीएसपी वर्सेज एएसपी चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना? बहन जी बड़ी हैं, उनके बारे में मैं कोई अपशब्द तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहन जी को वोट देना मोदी जी को वोट देना बराबर है।